हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोन लेना चाहते हो तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तब भी आप लोन ले सकते हो। इसी प्रकार की एक एप्लीकेशन है जो लोन प्रोवाइड करती है, तो 5,000 से लेकर आप 50,000 तक आप लोन ले सकते हो। उसके लिए आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपका केवाईसी कंप्लीट होते ही उसके बाद में आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए किसी भी बैंक की। और यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ के अंदर अपलोड कर सकते हो। तो यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोन ले सकते हो। सिविल स्कोर आपका कैसा है हिसाब से आपको लोन मिलेगा, तो 5,000 से लेकर 50,000 तक आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, लोन लेने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अच्छी प्रकार से इसको देखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है कैसे केवाईसी होता है और किस प्रकार से लोन का लाभ आप ले सकते हो। और यदि आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पहले देख लीजिए किस प्रकार से फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसका नाम है ट्रू बैलेंस। तो ट्रू बैलेंस से आप रिचार्ज भी कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और बहुत सारी सर्विस हैं इसके अंदर। देखिए, लोन लेने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे प्रीपेड या पोस्टपेड आप रिचार्ज करना चाहते हो तो रिचार्ज भी कर सकते हो, गैस बिल, वाटर बिल और बहुत सारी सर्विस है इसके अंदर ऑलरेडी। और ट्रू बैलेंस का आपको नाम सुना भी होगा, हेल्प सपोर्ट भी अच्छा रहता है और दिल्ली की ये कंपनी है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैश लोन। यहाँ पे स्पेशल डील चल रही है, तो दिवाली के ऊपर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यहाँ पे गैस सिलेंडर, पाइप, गैस लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच सभी कंपनी के रिचार्ज कर सकते हो और यहाँ पे कैश लोन स्पेशल डील चल रहा है, तो वो आप देख लीजिए। 6 मंथ के लिए आप यहाँ पे 5,000 से लेके 50,000 तक यहाँ पे लोन का फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हो 0%, कोई फाइल चार्ज नहीं लगेगा, तो ऐसा इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे गेट लोन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए, प्रोसेस को आप अच्छी प्रकार से देखिए और फॉलो करिए किस प्रकार से। देखिए, उसके बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, केवाईसी आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ और केवाईसी अभी कर लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी केवाईसी के अंदर, तो अभी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यूजिंग आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे आई एग्री कर देना है, तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके और दिखा देता हूँ क्या क्या कंडीशन है इसके अंदर। और देखिए, आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना चाहे तो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर केवाईसी के लिए यूआईडीआई, इनपुट ओटीपी, आपके पास ओटीपी आएगा। तो मेरा केवाईसी कंप्लीट अभी कर देते हैं। नीचे आई एग्री है, एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है। तो मेरा पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पे फटाफट से डाल लेता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। देखिए, पैन कार्ड नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में प्रोसीड कर देते हैं। तो चलिए, इसको प्रोसीड करने के बाद में क्या दिखाता है आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं नीचे देखिए यहाँ पे पैन कार्ड नंबर कंप्लीट डाल चुका हूँ और यहाँ पे ओके। तो अभी नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या आता है और आप देख लीजिए और इसको फॉलो बाय फॉलो करते रहिए। देखिए, यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारी केवाईसी, सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे गो टू कैश लोन, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है, तो गो टू कैश लोन का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, ये कह रहा है व्हाट यू आर रिलेशन
शिप स्टेटस, तो इनको सभी को फॉलो कीजिए। और लेवल ऑफ एजुकेशन, आप कितने तक पढ़े हो तो वो यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में 10th 12th जो भी है, और हाउसिंग टाइप खुद का है या रेंट का है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट डू यू जॉब, किस प्रकार की आप जॉब करते हो, तो सैलरी हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ जॉब, किस प्रकार की आपके पास जॉब है, तो चलिए इसमें से अदर सेलेक्ट करते हैं। यदि आपका इसमें से कोई जॉब है तो वो सेलेक्ट कीजिए, और चलिए मैं इसमें अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप एजुकेशन ट्रेनिंग किसी इसमें से जो भी है आपके पास वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। मेरे पास इसमें से शायद कोई भी नहीं है, तो मैं इसको अदर सेलेक्ट कर देता हूँ। अदर सबसे नीचे मिलेगा, वही वाला सही रहेगा, तो अदर वाला मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, एक्टिवेशन है, एजुकेशन ट्रेनिंग है, मीडिया इंटरटेनमेंट है, तो ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद में कलेक्शन एजेंट, ड्राइवर, फार्मर, डिफेंस, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर, तो इसके अंदर भी देखते हैं नीचे वर्कर, ठीक है, और पुलिसमैन, अदर सेलेक्ट करते हैं। इसमें भी सबसे नीचे है, तो अदर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो वही बेटर रहेगा, ठीक रहेगा, तो अदर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अदर इसमें भी अदर डाल देते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है नेम ऑफ स्कूल, कंपनी ऑफ शॉप, तो क्या नेम है वो यहाँ पे डालना है, तो चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं। कोई भी डाल दीजिए जहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एजेंट, अदर चैनल, नो इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है। मैंने यूट्यूब सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे चैनल देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे मंथली सैलरी, तो सैलरी 15,000 कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में तो जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सैलरी, बिजनेस, प्राइमरी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आपके पास किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे किसी भी बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है, तो लॉगिन इनटू नेट बैंकिंग पे क्लिक करके आपको क्या करना है। यहाँ पे बैंक, बहुत सारे बैंक दिखाई देंगे, तो आपके पास जो भी बैंक है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसका आईडी पासवर्ड डाल देंगे, तो क्या है जो डिटेल है वो बैंक उनके पास चली जाएगी, कंपनी के पास, और कंपनी आपका जो डेटा है यानी कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक उठा लेगी। तो यहाँ पे यदि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने की, तो वो यहाँ पे आप पीडीएफ के अंदर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यू मस्ट बी 3 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आई कंफर्म कर देता हूँ मैं यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए आप ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो चलिए मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से क्लिक करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, अपलोड योर बैंक ई स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइल खुल चुकी है। जैसे ही फाइल खुल चुकी है, यहाँ पे अपने मोबाइल से जो हमारा ई स्टेटमेंट है तो उसको क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे नीचे अपलोड हो चुका है, अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, रेगुलर SB जो है सक्सेसफुल हो चुका है। और यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे व्यू पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू फाइल करके देख सकते हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक हियर टू फिनिश कर देते हैं। जैसे ही फिनिश करते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट पेज हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद में ये ऑटोमेटिक अंडर एविलेशन चला गया। ठीक है, कुछ देर वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन,
तो जो हमारा सिविल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये दिखा रहा है, यानी कि हमें 50,000 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 11,000 रुपये मिलने वाला है। तो इस हिसाब से जो हमारा सिविल रिकॉर्ड है उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलता है, तो लोन मैं 11,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। तो देखिए, लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे नीचे टे के लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबसे नीचे जो टे के लोन का ऑप्शन है उसको दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे 11,000 रुपये मिल सकता है। तो देखिए, वो सभी का अलग अलग होता है, तो आपका हो सकता है। चलिए सबसे नीचे टे के लोन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म योर बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक बार कन्फर्म करना है, और सबसे नीचे रिसीव मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही उस रिसीव मनी के ऊपर क्लिक करते हैं, सारा पैसा बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था आसान सा फंडा। आप यदि लोन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।